ईद उल फितर के पूर्व संध्या पर मैं हरदोई के अल्पसंख्यक भाइयों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ और उनसे मेरा ये संदेश भी है, अनुरोध भी है कि हरदोई ने सदैव हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखा है और जब भी ऐसा मौका आया हरदोई उस कड़ी परीक्षा में पास हुआ है, तो फिर मैं हरदोई के लोगों से कहता हूँ कि जो ईद का संदेश है, जो होली का संदेश है, आपसी भाईचारा वाला, उस संदेश को बनाए रखते हुए हम लोग अपने देश के लिए एकता दिखाते हुए दुश्मनों से लड़ें, इससे कि देश की अमन को खतरा न मिले और देश की आज़ादी को खतरा न मिले।